फिफ्थ हाउस में हम लोग आपकी उपासना भी देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ उपासना यू आर गोइंग टू डू, जो मंत्र चैंटिंग आप करने वाले हो या करते हो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, वहाँ पंचम भाव से ही देखा जाता है। फिफ्थ हाउस इज वन ऑफ द धर्म त्रिकोणा एंड वेरी पावरफुल हाउस। ये जो 159 है, दिस आर द नीव ऑफ योर हॉरोस्कोप। वो बोलते हैं ना, एक मेरुदंड होता है या तो एक स्पाइनल सपोर्ट होता है, इसीलिए शरीर का जो स्पाइन है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है और जो हार्ट है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। क्योंकि फोर्थ हाउस में हमने लंग्स देख लिए, चेस्ट पोर्शन देख लिया, और चेस्ट में भी जो हार्ट है उसको हम पंचम भाव से जोड़ते हैं। तो फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस इमोशंस एंड लव, इसीलिए लव हाउस भी पंचम भाव है, जहां से प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं, किसी के साथ का अटैचमेंट, अफेक्शन, लॉन्जिविटी ऑफ रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप, फॉलिंग इन लव, मल्टीपल अफेयर्स, नॉट अ सिंगल अफेयर। शनि पंचम भाव में आने से, या तो शनि और चंद्र पंचम भाव में आने से, एक तो ये प्यार में असफलता हासिल करते, या तो प्यार में पड़ते ही नहीं है, या तो अगर पड़ गए प्यार में तो फिर से किसी के बारे में सोचते नहीं है, इतने इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं किसी के साथ कि फिर सालों तक हम लोग बोलते ना, नहीं उनका किसी के साथ था, फिर नहीं हुआ तो उन्होंने किया ही नहीं। तो उनके कुंडली में शनि चंद्र बहुत काम करता है, जो फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड से बेहद ज्यादा कनेक्शन में होता है। दूसरा एक बात अगर हम देखेंगे तो हमारा रोजमर्रा के जीवन का जो लेन देन है, व्यवहार, किसी के साथ हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, नॉट बिहेवियर ओनली पर किसी भी प्रकार का व्यवहार, तो वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। हाउ विल यू डील विथ पीपल, हाउ विल यू डील विथ योर वर्क, हाउ यू विल डील विथ योर प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल पीपल, दैट ऑल्सो इज डिसाइडेड। व्हाई इट इज डिसाइडेड थ्रू फिफ्थ हाउस, एनी वन कैन टेल मी? Eleventh from seventh house. Eleventh from the seventh house. ठीक है, और पास पंचम भाव जो है वो दशम भाव का अष्टम भाव है। ठीक है, तो दैट इज अ लॉन्जिविटी हाउस ऑफ योर प्रोफेशन। तो आप काम में टिकोगे कि नहीं, ये आपके व्यवहार के ऊपर भी बहुत सारा निर्भर करता है, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क। दैट इज व्हाई पंचम भाव से दशम भाव प्रारब्ध है काम का, और दशम भाव से पंचम भाव जो है, दैट इज हाउ यू डील विथ योर वर्क एंड पीपल। वेदर यू विल लूज दिस वर्क और नो, दैट विल बी डिसाइडेड फ्रॉम फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस प्लैनेट्स जो भी प्लैनेट पोजिटेड है, या तो फिफ्थ लॉर्ड कहाँ पर आपके कुंडली में जा रहा है। अभी पंचम भाव का मुख्य कारक ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर है। दूसरा कारक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य यानी सन जो नेचर चार्ट के हिसाब से कारक ग्रह बन रहा है, भले आपका कोई भी असेंडेंट राइजिंग हो, परंतु अगर सन फिफ्थ हाउस में है तो हम उसको कारक ही बोलेंगे, उसको बेनिफिक ही बोलेंगे हम लोग, चाहे वो कोई भी असेंडेंट राइजिंग हो। ठीक है, और दूसरा प्लैनेट कौन सा है पंचम भाव का कारक? दैट इज जुपिटर। जुपिटर पंचम भाव में बहुत अच्छा माना गया है। और तीसरा प्लैनेट कौन सा अच्छा माना गया है, जो टर्शियरी है, जिसको मैंने देखा है कि काफी हॉरोस्कोप में इसका अच्छा फलित हुआ है, दैट इज वीनस। वीनस क्यों मैं अच्छा बोलती हूँ? क्योंकि पूर्व कर्म अनुसार आप बहुत सारा अच्छा लेकर आए हैं, दैट इज वाई बेनिफिक प्लैनेट लाइक वीनस, विच इज एंजॉइंग और एक्सपीरियंसिंग बेटर फ्रूट्स ऑफ योर लाइफ। नाउ दिस अगेन डिपेंड्स कि कन्या का वीनस नहीं होना चाहिए, या तो स्कॉर्पियो का वीनस नहीं होना चाहिए। स्कॉर्पियो का वीनस क्या करेगा? बहुत सारे अट्रैक्शन, अफेयर्स, या तो बहुत सारे लोगों से जुड़ाव दे देता है, परंतु सक्सेस किसी में भी नहीं देता, बिकॉज ऑफ डेबिलिटेशन साइन जो चंद्र का है उसमें वीनस चला गया है। तो
तो वो डेबिलिटेटेड फ्रूट ही देगा उसमें। और पंचम भाव में कारक कौन है? गुरु है। पंचम भाव का कारक कौन है? सूर्य है। तो सूर्य और शुक्र आर नॉट वेरी कंपेटिबल। उस हिसाब से जब स्पेसिफिकली कन्या का या वृश्चिक का होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना। सूर्य इज लायन, सूर्य जो है वह लायन का बताते हैं ना कि जो शेर है उनको जंगल का राजा बोला गया है। चाहे वो बड़े ओहदे पर हो या ना हो, बट स्टिल दिस पीपल लिव लाइक अ किंग। उनकी बातें बड़ी होती है, दे डू नॉट लाइक टू, वो ऐसा बोला जाता है कि वो बोलेंगे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन वो पुष्पा का है ना झुकेगा नहीं साला, कुछ भी हो जाए उसका एक खंदा ऊपर है, उसका प्राइड है वो। दैट इज सूर्य। सूर्य वाले लोग आप देखो हमेशा उनका ना ऐसा ही जाएंगे, चलेंगे कहीं पर तो शोल्डर्स है ना उनके ऊपर आ जाते हैं और आईब्रोज भी थोड़ी ऊपर आ जाती है, उनका वो एटीट्यूड होता है। आप कभी भी फेशियल एक्सप्रेशन कभी देखने चाहिए, कौन कैसे चल के आता है, कैसे हाव भाव है, इसको शरीर शास्त्र बोला गया है। उस पर से भी आप जज कर सकते हो इसका राशि ये होगा, इसका ये प्लैनेट पावरफुल होगा, या तो ये प्लैनेट अभी इस पर काम कर रहा है, झुके हुए कंधे होते हैं, आत्मविश्वास की कमी हम बोलते हैं ना, दैट मीन सूर्य कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। हंसने वाले मेरे जैसे होंगे, हंसते ही बोलते रहते हैं, तो मर्क्यूरी पावरफुल होता है कुंडली में, हमेशा स्माइलिंग फेस होता है, चाहे दुख में हो या सुख में हो, कोई पता ही नहीं चल पाएगा कि इनको दुख है या सुख में जा रहे, दे विल फील हैप्पी गो लकी। तो इस प्रकार से आपको जज करना आना चाहिए। व्हेन यू आर एन एस्ट्रोलॉजर आपको ये देखना बहुत जरूरी बन जाता है, जब आपके पास जातक आता है या तो आप किसी के साथ बात करते हो तो उनका स्टाइल कैसा है, उनका उठने बैठने का तरीका कैसा है, उनका बात करने का स्टाइल कैसा है, देन यू कैन जज देम बेटर। क्योंकि साइकोलॉजिकली जब आप किसी को जज करते हो तो आप थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली उनको अच्छा गाइडेंस कर पाते हो, नहीं तो सिर्फ प्लैनेट्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। मैं ऑडियो क्लिप भी किसी को देती हूँ तो मैं उनसे कनेक्ट हो जाती हूँ उनकी कुंडली देखकर, मैं देने के लिए बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, आई गेट कनेक्टेड कि कैसा माहौल होगा वहां पर जहां पर ये व्यक्ति है, वो कैसा फील कर रहा होगा या कर रही होगी, देन आई ट्राई टू गाइड देम। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जब असेंडेंट हम देखते, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे ज्योतिष के लिए, ना कि मैंने कितनी किताबें पढ़ ली, मैंने ये भी पढ़ लिया वो, नहीं ऐसा नहीं होता। आप ऑलरेडी पूर्व कर्म अनुसार जन्म ले चुके हो, अभी आप क्या करने वाले हो वो देखो, आपका क्या था वो एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से, और दोष हमारे कुंडली में क्या है उसके लिए तक ठीक है सीमित, बट नाउ व्हाट यू कैन डू वो दोष को राहत पाने के लिए थ्रू योर कर्म, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंह जो है वो हमारा आत्मा है, सोल है, इसीलिए वो पूर्व कर्म को दर्शाता है, पास्ट ब्लीस को दर्शाता है, क्योंकि आत्मा तो बहुत सारा ट्रैवल करके आया है ना, इसीलिए बोलते आत्मा अमर है, वो ज्योत निकल जाती है, वो ज्योत तो घूमती रहती है, ऐसा बोलते हमने देखा नहीं है, परंतु जब हम जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई तो अग्नि है ना शरीर में जो हमें जीवित रख रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना ही पड़ेगा इन सब चीजों को। देन सूर्य क्या बोलता है, पोस्ट पावर पोजिशन, भले इनके कुंडली में सूर्य पावरफुल हो या ना हो, दे आर ऑलवेज, उनको उनको इतना अफेक्शन होता है पावर से, उनको ऐसा लगता है सब मुझे अटेंशन दो, दे आर मोस्ट अटेंशन सीकिंग पीपल, या तो मैं आया हूं तो मेरी तरफ ध्यान क्यों कोई नहीं दे रहा है, ऑलवेज दे फील दैट। चाहे वो छोटा बच्चा भी अगर सिंह राशि बहुत पावरफुल हुई है तो बच्चा भी ऐसा ही होगा, जब तक भुलाएगा नहीं मैं आऊंगा नहीं,